अस्सलाम वालेकुम, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। साइन एच जी इज इक्वल टू कॉज एच जी। अब हमने इधर वैल्यू पुट करनी है, साइन एच जी की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी डिवाइड बाय 2, और इसी तरह कॉज की वैल्यू में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। अब 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे और दोनों को हम एक साइड पर, तमाम वैल्यूज़ को हम एक साइड पर कर लेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस 2 की पावर माइनस जी इज इक्वल टू 0। अब 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास e की पावर माइनस जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। जो कि हमारी कंडीशन की एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम फाइंड नहीं कर सकते कि साइन ऑफ एच ऑफ जी इज इक्वल टू कॉज ऑफ एच ऑफ जी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। साइन ऑफ एच ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जी। अब आपने यहाँ पर साइन ऑफ एच जी की वैल्यू पुट करनी है तो वो क्या आएगी, ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी डिवाइड बाई 2। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 दूसरी साइड पर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई की पावर जी प्लस ई की पावर माइनस जी। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ई की पावर जी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर 2z प्लस 1। 1 कहाँ से आया कि ई की पावर जी को ई की पावर माइनस जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी पावर्स, तो वहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर ई की पावर 2z प्लस 0 ई जी, क्योंकि हमारे पास ई की पावर जी नहीं है, तो और साथ में 1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ई की पावर जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर z प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब हमने यहाँ पर दोनों साइड पर ln ले लेना है, ln लेंगे तो हमारे पास e की पावर z ख़त्म होके सिर्फ z बच जाएगा और दूसरी साइड पर ln प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको जी को 2 में डिवाइड करना है, z1 और z2 के केस में डिवाइड करना है कि एक में आयोटा पॉजिटिव होगा और दूसरे में नेगेटिव होगा, तो z1 हमारे पास क्या है, ln आयोटा इस, और दूसरा z2 हमारे पास क्या है, ln माइनस आयोटा। z1 इज इक्वल टू ln आयोटा को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, log ऑफ e ऑफ mod आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। ठीक है, तो मॉड क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। थीटा क्या है, पाई बाय 2, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 2 एन पाई, तो हैं z1 हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ e इंटू 1 प्लस आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2 एन पाई। तो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करें तो z1 हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ e ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 1 बाई 2 प्लस 4 एन इंटू क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। नाउ z2 हमने फाइंड करना है, आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा। ठीक है, तो उसका मोड क्या होगा, वो भी 1 आ जाएगा, और जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 ही, लेकिन क्वाड्रेंट जो होगा वो हमारे पास होगा 4th, तो आर्ग्यूमेंट आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2, और उसको अगर उसका हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 एन पाई। 2z2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 एन पाई। ठीक है, इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 4 एन माइनस 1 इंटू पाई आयोटा। z1 में 4n प्लस 1 था और z2 में 4n माइनस 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या है कि d ओवर dz आ जाएगा साइन ऑफ z और साइन h ऑफ z। इसको हम पहले डेरिवेटिव इसका सॉल्व कर लेंगे, साइन ऑफ z और साइन ऑफ h ऑफ z का। तो पहले हमने साइन ऑफ z का साइन h ऑफ z का करेंगे तो वो cos hz आ जाएगा, और साइन जी का करेंगे तो वो कॉस जी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन जी कॉस एच ऑफ जी प्लस कॉस जी साइन एच ऑफ जी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके अंदर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट एच का स्क्वायर जी। इसी तरह से कॉस एच टेन एच
आयोटा जी माइनस टू है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस सीकेंट स्क्वेयर सीकेंट एच स्क्वेयर इंटू आयोटा जी माइनस टू, और साथ में आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या है, कॉस ऑफ एच आगे फंक्शन है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ एच आयोटा जी प्लस ई की पावर आयोटा जी, और साथ में जो फंक्शन है वो साथ ही जो है वो उसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आयोटा प्लस ई की पावर आयोटा जी इंटू आयोटा आ जाएगा। इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या, आयोटा को बाहर निकालेंगे तो आयोटा इंटू वन प्लस ई की पावर आयोटा जी साइन ऑफ एच आयोटा जी प्लस ई की पावर आई जी। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।